नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ दिव्यांग। एक बार फिर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूं। आज की ये जानकारी दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी दिव्यांगजन हैं उनके तक ये जानकारी पहुँच सके। दोस्तों, दिव्यांगजनों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है इस समय रोज़गार की समस्या है। ज़्यादातर दिव्यांग बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है और उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। दोस्तों, दिव्यांगों को रोज़गार दिलाने के लिए, दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए तमाम एनजीओ और दिव्यांगजन के जो संगठन हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अनेक शहरों में दिव्यांग मेले का आयोजन होता रहा है। दिव्यांग रोज़गार मेले का आयोजन करके उनको रोज़गार दिलाया जा रहा है। इसके पहले भी दिल्ली में भी दिव्यांग रोज़गार मेले का आयोजन किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 21 जुलाई को दिव्यांग रोज़गार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन जो वाराणसी के दिव्यांगजन हैं वो वहाँ पहुँच के इस दिव्यांग रोज़गार मेले का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, बता दूँ कि ये मेला सिर्फ दिव्यांग प्रतिभागियों के लिए ही है। इसमें केवल दिव्यांग भाई बहन ही भाग ले सकते हैं और इस मेले में पहुंचकर इस मेले का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें 12 कंपनियां दिव्यांगों को रोज़गार दिलाने के लिए आ रही हैं। तो दोस्तों, ये मेला कब है और कहां है और कितने बजे लग रहा है, मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं ताकि आप वहां पहुंच के इस रोज़गार मेले का लाभ ले सकें। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से 21 जुलाई को सुबह 11 बजे भेलूपुर सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज में रोज़गार मेला लगेगा। इसमें सिर्फ दिव्यांग ही प्रतिभाग करेंगे। मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि इसमें 12 कंपनियां आएंगी। नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर, द स्पेशल एबल फाउंडेशन और जन विकास समिति का भी इसमें सहयोग रहेगा। तो दोस्तों, दिव्यांगजनों के लिए ये बहुत अच्छी खबर आ रही है। इसमें जो हमारे कम पढ़े लिखे दिव्यांगजन हैं, जो ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, वो भी भाग ले सकते हैं और इस मेले में जाके इस मेले का फ़ायदा उठा सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। वाराणसी में दिव्यांग मेले का आयोजन किया गया है, दिव्यांग रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और जितने भी हमारे दिव्यांगजन साथी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो वाराणसी के आसपास के रहने वाले हैं, वो इस मेले में अवश्य पहुँचें। इस मेले में पहुँच करके इस रोज़गार मेले का लाभ उठाएँ और उनको वहाँ पर कुछ ना कुछ रोज़गार अवश्य मिल जाएगा। इसमें 12 कंपनियाँ जो भाग ले रही हैं, दिव्यांगों को रोज़गार देने के लिए 12 कंपनियाँ आ रही हैं दिव्यांगों को रोज़गार देने के लिए। जो दिव्यांग कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी रोज़गार की यहाँ व्यवस्था की गई है और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी रोज़गार की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, ये प्राइवेट कंपनियाँ हैं और प्राइवेट जॉब दिव्यांगों को देंगी, प्राइवेट में उनको कुछ ना कुछ जॉब देंगी। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सर्टिफिकेट हैं, उनको तैयार कर लें और 21 जुलाई को वाराणसी में जो बनारस है, जो जहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए मेले का आयोजन किया गया है, रोज़गार मेले का आयोजन किया गया है, वहाँ पे पहुँचें और इस मेले का फ़ायदा उठाएं और इस मेले को सफल बनाएं। हमारे कुछ दिव्यांग साथी हमारे इस ज़िले आजमगढ़ से भी इस मेले में पहुँच रहे हैं और वो मेले से वापस जब आएंगे, मेला कैसा रहा, मेले में किस तरह की व्यवस्था रही, कितने को रोज़गार मिला, इसके बाद फिर मैं आपको एक वीडियो में उस मेले के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।